फैक्टराइज दी फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको आपने फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। सबसे पहले आपके फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, 9x² प्लस 6xy प्लस y² आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है, आपको x² और y² है आपके पास, तो आप आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हो। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी आपके पास है फर्स्ट, जो कि कहती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास साफ साफ दिख रहा है, तो इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लूँगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलो 9x² प्लस y² प्लस 6xy लिख देते हैं। आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, 2ab अपने आप आ जाएगा जब a और b की वैल्यू हो जाएगी, तो 2ab आना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, यानी कि 9 के हम फैक्टर करेंगे, 3 और 3 बनेंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आपको साफ साफ दिख रहा है कि a और b की वैल्यू मेरे पास वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई है 3x और b की वैल्यू आपके पास आ गई है y, तो 2a 3x और b आपके पास है y। सॉल्व कर लेते हैं, 6xy आ गया, तो आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस y का होल स्क्वायर। आपको फैक्टराइज करना है इस वैल्यू को, दो बार लिखना है बस, क्योंकि स्क्वायर है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे करेंगे हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट आपके पास है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास आइडेंटिटी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाई स्क्वायर है और माइनस का 4y आ रहा है, तो फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा माइनस वाला जिसके अंदर स्क्वायर आता हो, तो वह आपके पास होता है आइडेंटिटी नंबर दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे माइनस दिख रहा है, तो माइनस आपका आ रहा है यहाँ पर, यानी कि 1 को मैं पहले लिख दूंगा, माइनस 4y को बाद में लिख दूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4y² प्लस 1 माइनस का 4y। तो मुझे ए बी की वैल्यू ढूंढनी है, बाकी वैल्यू मेरे पास अपने आप आ जाएगी, तो मैं 4y² को लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए और बी की मेरे पास वैल्यू होगी, ए मेरे पास हो गया है 2y और बी मेरे पास आ गया है 1। अब मुझे चाहिए है माइनस 2ab, तो माइनस हो गया 2 into a into b। चेक कर लेते हैं, माइनस फोर वाई यानी कि इस पूरी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मेरे पास आइडेंटिटी अब ये लग जाएगी। तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a मेरे पास आया है 2y और b मेरे पास आया है 1। अब इसको हम स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे, यानी कि 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, यही है आपका आंसर। ऐसे हम कर लेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट आपके पास है x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 100। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी नंबर आपके पास हो जाएगी थर्ड, वह होती है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको चाहिए, तो मैं एक्स को लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर लिख देते, चेक कर लेते वैल्यू, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा,
टेन का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 100। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये ए हो गया मेरे पास, ये हो गया बी। तो आपको पता लग गया है कि ए की वैल्यू आपके पास है एक्स और बी की वैल्यू आपके पास है वाई बाय 10। तो हम आइडेंटिटी अब लगा देंगे। आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर मेरे पास ए है एक्स, एक्स प्लस बी यानी कि वाई प्लस 10 हो जाएगा, ए माइनस बी वाई एक्स माइनस वाई बाई 10 हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 10 हो जाएगा। यही है आपका आंसर।